आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ओटीटी दुनिया के इस स्टार ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया है। एक्टर विक्रांत मैसी 3 अप्रैल को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। सीरियल की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत करने वाले विक्रांत ने अपने अभिनय कौशल के दम पर बॉलीवुड और ओटीटी दुनिया में अपनी जगह बनाई है। हालांकि उनका सफर आसान नहीं था। संघर्ष के इस दौर में विक्रांत की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। इस दौरान उन्हें कई लोगों के ताने सुनने पड़े। एक समय पर यह सब उनके लिए इतना असहनीय हो गया था कि उन्होंने मनोरंजन जगत छोड़ने का फैसला किया था। हालांकि इन सब से जूझते हुए उन्होंने अपना करियर बनाने का दृढ़ निर्णय लिया। एक्टर विक्रांत मैसी सीरियल की दुनिया का मशहूर चेहरा है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत शो धूम मचाओ धूम से की थी। इसके बाद उन्होंने मशहूर टीवी सीरियल बालिका वधू में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सीरियल बालिका वधू में मदन सिंह का किरदार निभाया था। इस सीरियल ने विक्रांत को लोकप्रियता दिलाई। इसके बाद विक्रांत सीरियल बाबा ऐसे वर ढूंढो में लीड रोल में नजर आए थे। वहीं उन्होंने पॉपुलर सीरियल कबूल है में भी अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि जब इस सीरीज ने दुनिया में तहलका मचा दिया तब भी उन्हें आप हीरो मटेरियल नहीं है वाले ताने सुनने पड़ते थे। सीरियल में तूफान लाने के बाद विक्रांत मैसी ने ओटीटी पर अपनी शुरुआत करने का फैसला किया। वेब सीरीज मिर्जापुर में उन्होंने बाबुल भैया का किरदार निभाया था। इस वेब सीरीज ने उन्हें असली प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद विक्रांत ने लुटेरा, छपाक, गिन्नी वेड सनी, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, मेड इन हेवन, लव हॉस्टल, गैसलाइट जैसी कई फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी अदाकारी दिखाई। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म 12th फेल ने सिनेमा घरों में धूम मचा दी। फिल्म में विक्रांत मैसी के साथ एक्ट्रेस मेधा शंकर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म 12th फेल एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की कहानी आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा और उनकी पत्नी श्रद्धा जोशी के जीवन पर आधारित थी। विक्रांत मैसी की आने वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट 3 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विक्रांत मैसी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।